बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में शादो आबाद और एकदम खुशहाल होंगे। अभी हम यार शाहजेब के साथ, हमारे साथ है शाहजेब, इसके साथ हम निकले हुए हैं, इसके कोई दोस्तों वगैरह से हमने मिलने आना था। तो अभी हम एक गाँव वाली साइड पर निकले हुए हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अननोन प्लेस है। मैं यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आया हुआ, तो बिल्कुल यानी कि अननोन प्लेस है यार, बिल्कुल ही। आप देख सकते हैं सारा सीन कैसा चल रहा है, आगे बिल्कुल बंजर जमीन है सारी। और लेकिन पीछे जो थी ना यार, वो सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा था, सारा जरखेज। क्या दूर दूर तक आबादी नहीं है भाई यहाँ पे, दूर दूर तक आप जहाँ तक देखोगे। और अभी ये देखे सनसेट हो रहा है, तो अभी हम जल्दी से चलते हैं, इससे पहले अंधेरा भी अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से हम वहाँ पे पहुँचते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सीन दिखाने के लिए। पक्का खाला नहर के ऊपर से जी। तो यार आज जो हम निकले थे ना घर से भाई, वहाँ घूमने फिरने के लिए गांव वाली साइड पे, एक तो यार वहाँ पे मट्टी इतनी कोई शदीद वाली मट्टी ना कि आप सोच नहीं सकते भाई, ऐसी मट्टी जो यानी कि अगर पैदल हम चले ना तो पाँव में धंसेगी, और बाइक तो वहाँ पे जैसे चल रही होगी आप सोच ही सकते हो। तो वहाँ पे बाइक वगैरह चलाना और धूल मट्टी उसकी वजह से ना मुझे दोबारा से फ्लू हो चुका है, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत दोबारा से बिगड़ेगी। अभी मुझे ऑलमोस्ट कोई 20 से 25 दफ़ा छींकें आई हैं, और मैं ऐसा हो गया था ना बस मैं उठ जाऊँ यहाँ से, लेकिन मैं काम करने के लिए बैठा हुआ था, तो वही काम करके ही उठना था। अब काम खत्म हुआ है, अब उठूँगा। और आप मेरे पीछे देख रहे हो कि बिस्तर मेरा लगा हुआ भाई, और कैसी हालत हुई है कमरे की, ये आप सोच ही सकते हो भाई, क्योंकि बीमार इंसान की ना भाई ऐसी हालत चलती रहती है। ये हमारे नए शूज़ जो लिए हैं भाई, चेक करो वेंस के शूज़ हैं भाई, चेक करो कैसे लगे आपके। देखो यार मुझे ना ये ऐसे ही जो वेंस के शूज़ हैं ना, इतने मुझे कोई कमाल के लगते हैं ना भाई, मैं कहता हूँ कि हर कलर का, पिंक, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, हर तरह का ना एक पेयर मेरे पास हो, बस ये इंशाल्लाह ताला ये मेरा ड्रीम पूरा करना है। और मुझे दूसरे येजीज़ वगैरह, जॉगर्स वगैरह और फ्लीट्स वगैरह मुझे कोई नहीं पसंद जितने मुझे ये वेंस वाले शूज़ पसंद है। आप लोग भी सर्च करें, अगर किसी को नहीं पता वेंस के शूज़ का, तो आप लोगों को भी इतने मज़ेदार लगें कि आप लोग भी सोचोगे। और इतने कम्फर्टेबल होते हैं यार, इतने कम्फर्टेबल कि आप रफ यूज़ में घरेलू वगैरह आप पहन सकते हो ईज़िली, जहाँ मर्ज़ी आपका दिल कर जाना। बहरहाल में बात को कहाँ ले गया, तो हम बाहर निकले हुए थे घूमने फिरने के लिए, और मैंने आपको बोला कि भाई इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सीन दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भाई जाते जाते पहुँचते भाई फुल अंधेरा हो गया था, वहाँ जाके सिर्फ हमने चाय पी और बस थोड़ा सा इधर उधर घूमे फिर, और बाकी यूँ ही वापस, यानी कि जुम्मे का दिन था ना, फजूल टाइम थोड़ा सा वेस्ट करना था, तो ऐसे हम निकल गए। वापस आए घर पर आके मैं जो पड़ा हूँ ना भाई नज़ले से, तो आप सोच नहीं सकते भाई। उसके बाद मम्मा वगैरह लोग आ गए, अब मैं अंदर जा रहा हूँ भाई सोने के लिए, क्योंकि मुझे ना ये चीज़ ना मेरी इतनी दर्द कर रही है ना नज़ले की वजह से, छींके हुए की वजह से। यार मैं पूछना तो भूल ही गया भाई आप लोगों से कि यार मैं ग्लासेस के बिना यानी कि ज़्यादा सही सूट करता हूँ मेरे ऊपर, या मुझे ऊपर ग्लासेस भाई सूट करते हैं, आप लोग लाजमी बताइएगा। ग्लासेस मैंने बहुत ही लंबे अरसे के बाद दोबारा लगाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बीच में कंप्यूटर का काम इतना ज़्यादा हो गया था ना, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना कि भाई नज़र इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी ना कि इन जगहों पर मेरे दर्द बैठना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो उन्होंने कहा यार आप ग्लासेस नहीं लगाते, तो मैंने बताया मैंने 1-1.5 साल ग्लासेस नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा भाई आप ग्लासेस लगाओ वरना ये ग्लासेस का नंबर बढ़ता से बढ़ता चला जाएगा। ये 0.75 का मेरे लगा हुआ था दोनों आँखों का ना, अब भाई 1.50 का लग गया, यानी कि 1.5 नंबर का लग गया, 1.75 से 1.5, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन हो गया मेरा। इस चीज़ में हंसने वाली कोई ऐसी बात नहीं है भाई, अगर आप लोगों को भी चश्मा वगैरह लगा हुआ ना तो उसको कंटिन्यूसली लगाएं यार। दुनिया में ना यानी कि मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स की रिसर्चेस वगैरह पढ़ी भी हैं और कुछ वीडियोस वगैरह भी ऐसे देखी हैं, और एक मैंने साइकोलॉजिस्ट था और एक जो आंखों का डॉक्टर था, दो ऐसे थे जिनकी मैंने देखी, जिन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई प्रूफ कर सकता है ना कि कुछ भी दवाई खाने से, सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिंस, कोई टैबलेट्स खाने से ना ये चश्मा उतर सकता है, तो वो कह रहे थे कि मैं अपना सर कटवा दूंगा। इतनी बड़ी बात कर दी थी कि भाई ये चीज़ ना अगर एक दफ़ा आई बॉल कमज़ोर हो गई, यानी कि हमारी जो आंखों की जो आई बॉल होती है ना, ये जब नज़र कमज़ोर होती है ना तो ये बढ़ जाती है, तो एक चीज़ जब बढ़ गई ना ये आंखों की, तो ये भाई वापस सुकड़ नहीं सकती, ये नेचुरली एक निज़ाम होता है। तो बाकी यार ये हम डॉक्टर वाली कौन सी बातें लेकर बैठ गए, हम डॉक्टर के शोबे के नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई धूल मिट्टी से ना मैं इतना वो चिढ़ता हूँ ना, उसी से आज दोबारा मुझे नज़ला बुखार हो गया, लेकिन भाई पिंड में जाके ना वो एक अजीब सी बोल रहा है, एक मज़ेदार किस्म की फीलिंग मुझे जो आती है ना, आज मुझे वही वाली फीलिंग आई। और मेरा जो एक ड्रीम है ना भाई कि पिंड में ना
आसपास ग्रीन ग्रीन हरियाली और बीच में आपके भाई का एक आलीशान घर हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी और अल्लाह पाक ने साथ दिया, अपनी नेमतों से नवाजता रहा, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन ये वाला ड्रीम भी पूरा करेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं, सोते हैं भाई, क्योंकि तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी मेरी, तो इससे अच्छा है कि सो जाए टाइम से चल के। ये देखो, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं व्लॉग आपको पसंद आएगा, भाई की बातें यानी कि अजीब सी गंदी सी सड़ी बड़ी सी बातें आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर लाजमी करें। इंस्टाग्राम में भाई को फॉलो मस्ट है, कुछ भी दिल करे दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, कल के एपिसोड में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें।